कार्य करेंगे। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीतिक विभाग के द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यान स्वदेशी की संकल्पना एवं आत्मनिर्भर भारत गांधी की अंतर्दृष्टि विषय पर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे मौजूद रहे और उन्होंने छात्र छात्राओं के सम्मुख अपने विचारों को प्रकट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह व संचालन छात्रा कृति द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर विभाग के शिक्षक इंद्रेश कुमार, डॉक्टर अखिल कुमार श्रीवास्तव और डॉक्टर प्रियंका सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। और राष्ट्रगान के साथ मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप और मुझे कहना है इस संबंध में हमारे सिटी में संवाददाता से बात करते हुए महाविद्यालय के राजनीति विभाग के प्रभारी डॉक्टर वीणा गोपाल मिश्र ने बताया। इधर पिछले 7-8 महीनों से हम कोविड, पूरा विश्व ही कोविड महामारी के से जूझ रहा है और ऐसे माहौल में दुनिया के सारे देशों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी व्यवस्थाएं चरमरा कर ध्वस्त हो गई हैं। ऐसे समय में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस हुआ कि कोविड 19 से पहले की जो दुनिया थी और कोविड 19 के बाद की जो दुनिया है वो निश्चित रूप से एक जैसी तो नहीं रहने वाली। शायद यही विचार हमारे नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के भीतर पौंध रहा था, जिसके कारण उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की और तुरंत ही 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की। इसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि हमें वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की मंशा ये नहीं है कि भारत अब वैश्वीकरण का बहिष्कार करने जा रहा है। इसकी मंशा, इसके पीछे की मंशा ये निहित है कि हमें विश्व के साथ जुड़ते हुए अपनी भी सप्लाई चेन को मजबूत करना है और पूरे विश्व की